नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से लावा H76+ की FRP को रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, और आप लोगों को मैं करके दिखाऊंगा। ये 100% काम करता है दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ लावा H76+ की FRP को अनलॉक करके। और इसके लिए सबसे पहले हमें मिरेकल बॉक्स ऑन करना है, और मिरेकल बॉक्स ऑन करने के बाद आप लोगों को अगला प्रोसेस बताते हैं। जब मिरेकल बॉक्स आप ओपन करेंगे, आप मिरेकल बॉक्स या क्रैक जो भी यूज कर रहे हो, अगर क्रैक भी आप यूज कर सकते हैं करते हैं तो उसमें भी 100% काम करता है, उसमें भी 100% ये अनलॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम मिरेकल बॉक्स ऑन कर लेंगे तो उसके बाद हम इसका एंड्रॉयड वाले टैब पर हमें जाना है, और मोबाइल को हम पहले सबसे पहले मोबाइल को ऑफ़ कर लेंगे, और मोबाइल को ऑफ़ करने के बाद मोबाइल को डाउनलोड मोड पे लगाएंगे। डाउनलोड मोड पे अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो सबसे पहले आप मोबाइल ऑफ़ कर लीजिए, उसके बाद आपको मोबाइल का वॉल्यूम अप और पावर की दोनों साथ में दबाना है। जब आप पावर की और वॉल्यूम अप दोनों साथ में दबाएँगे तब आपको फॉर्मेटिंग वाले टैब पर ले जाएगा, वहाँ से आप रिबूट टू बूट लोडर पर क्लिक करके आप पावर की दबा देंगे, तब ये फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। और जब ये फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा उसके बाद आपको इसमें मिरेकल बॉक्स में आपको एंड्रॉयड वाले टैब पे जाना है, और इसमें जाना है आपको फास्ट बूट वाले टैब पे। फास्ट बूट वाले टैब पे आपको जाने के बाद रिमूव FRP यूनिवर्सल वाले पे क्लिक करके टिक करके आपको स्टार्ट कर देना है। जब आप इस पर करके आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे उसके बाद ये मोबाइल आपका जो FRP का जो प्रोसेस है ये इसमें स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है, 1-2 मिनट, और आपको मोबाइल निकालना नहीं है ना डिस्कनेक्ट करना है, बस आपको लगे रहने देना है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं FRP रीसेट ओके, ये जो एबॉर्ट बाय यूजर बता रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप FRP रीसेट माइक्रोमैक्स यूफोरिया सीरीज कॉलकम जो ये दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है, और इस पर टिक करने के बाद आपको फिर से स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। मोबाइल को उसी पोजिशन में लगे रहने देना है, निकालना नहीं है। फास्ट बूट मोड में जो लगा रहेगा जब आप रिमूव FRP यूनिवर्सल वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तब ये FRP यहाँ से रिमूव हो जाएगी, लेकिन ये मोबाइल आपका रिस्टार्ट नहीं होगा, फास्ट बूट मोड में ही रहेगा। और इस पे जब आप FRP रीसेट माइक्रोमैक्स वाले पे जब आप टिक करके स्टार्ट करेंगे उसके बाद दोबारा से आपका फ़ोन कनेक्ट होगा, कनेक्टिंग टू फोन वेट ओके FRP रीसेट ये बताएगा। उसके बाद ये मोबाइल आपका मोबाइल से FRP यहाँ पे भी जब FRP रीसेट ओके दे देगा, जब यहाँ पे FRP रीसेट ओके दे देगा उसके बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। और मोबाइल जब आपका रिस्टार्ट होगा तब आप उसमें FRP आपका रिमूव हो चुका होगा, बस उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ईजी ट्रिक है ये। और ये लगभग हर SPD फ़ोन में वर्क करता है, लगभग 90% SPD मोबाइल में ये वर्क करता है, 100% करता है। अगर आप वैसे रिमूव FRP यूनिवर्सल वाले पे केवल क्लिक करके अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे जब ये FRP रीसेट ओके यहाँ पे बता देगा उसके बाद आप मोबाइल को बैटरी निकाल कर दोबारा से मैनुअली रिस्ट ऑन कर लेंगे तब भी हट जाएगा। अगर आपका नहीं हटता है तब आपको इस पर FRP रीसेट माइक्रोमैक्स वाले टैब पे यहाँ पे टिक करके आपको स्टार्ट करना है। अगर उस पर नहीं हटेगा तो इस पर 100% हट जाएगा। जितने भी SPD मॉडल हैं लगभग 90% इसमें FRP रिमूव हो जाता है, और थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको वेट करना है। अगर आपका फिर भी नहीं होता है, अगर ये यहाँ पे रीसेट FRP दूसरे वाले ऑप्शन पे FRP रीसेट माइक्रोमैक्स यूफोरिया सीरीज कॉलकम वाले पे अगर नहीं होता है तब आप यहाँ से मोबाइल को स्टॉप कर दीजिए, यहाँ से इसके मिरेकल बॉक्स से आप इसको स्टॉप कर दीजिए और दोबारा से आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये फिर आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, अगर नहीं होता है उसके बाद फिर से आप स्टॉप कर दीजिए इसे, आप 1-2 बार ट्राई कर लीजिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप सिंपली रिबूट नॉर्मल मोड जो आपको दिख रहा है यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है और स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका मोबाइल फास्ट बूट मोड से नॉर्मल बूट पर आ जाएगा, मोबाइल आपका पूरी तरह से ऑन हो जाएगा और इसकी FRP जो है वो रिमूव हो जाएगी। अगर यहाँ से नहीं होता है तो आप मैनुअली उसे रिस्टार्ट कर सकते हैं। वैसे रिमूव FRP यूनिवर्सल वाले पे लगभग सारे सेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मॉडल के सेट हैं जिनमें नहीं होता है। अगर उस नहीं होता है तब आपको FRP रीसेट वाला जो अभी जिसमें आपको टिक दिखा रहा है
इस पर आपको करना पड़ेगा। अगर इस पर पास हो जाएगा, इस पर अगर रीसेट ओके दिखा देगा तो ये 100% रिमूव हो जाएगी आपकी FRP, और 50-60% तो इसी में रिमूव FRP यूनिवर्सल वाले में ही हो जाता है, और कुछ मोबाइल होते हैं 20-25%, 30% जो कि उस पर हमें क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद आपका मोबाइल रिमूव हो जाएगा 100%।